तो जी दोपहर का समय हो गया और 1 बजने वाला हो रहा, क्योंकि डैडी ने भी खाना खा लिया, मैंने भी खा लिया, बच्चों ने भी खा लिया। खाने में मैंने बनाए थे आलू शिमला मिर्च और साथ में थी दही। और ये देख लो इस गधे को, इसे पढ़ने के लिए कहीं जगह नहीं मिली लेटने के लिए। तो अभी हमें जाना है मार्केट। मार्केट वही है, त्योहार आ रहे हैं, करवा चौथ आ रहा है, तो मुझे लेके आने हैं पूजने के कपड़े वगैरह, जो सामान है वो। तो उसके लिए फिर मैं और पीहू के डैडी जा रहे हैं और कोशिश करेंगे जल्दी आ जाए जो भी सामान है। बेटे अपने डैडी के साथ जाके लेके आइयो, वो पहन के ही लेके आए जाएंगे। वो ऐसे नहीं है कि साइज नहीं, जितने तो सारों के जाएंगे तेरे। ये क्या लगा? बस जब गांव में जाएंगे ना। ये क्या लगा? क्या लगा बेटे? ये सिरना मारा एक दूसरे में। इसने मेरे मुंह के मारे थे पेट। तो तन्ने इसके पेट, तन्ने इसके मुंह पे क्या मारा है? ये देखिए निशान नहीं, देखिए हाथ तो नहीं है, वो ना खून चुभ रहा है या तो कुछ। वो मैं सुबह ये सोच रही थी, मैं कहीं कुछ पेंसिल वगैरह लग रही है नथुन। अच्छा तो चलिए जी, मैं और पीहू के डैडी चलते हैं, और चलते हैं बस बाजार में और देखते हैं क्या क्या लिया जाता है। तो जी देखिए यहाँ पे आ गए हैं मार्केट में। सबसे पहले हम आए हैं मोंटे कार्लो, और यहाँ से हमें लेने हैं जिजा जी के कपड़े, और क्योंकि जिजा जी रेडीमेड डालते हैं तो उनके लिए यहाँ से लेंगे। और पीहू के डैडी चेक कर करके देख रहे, क्योंकि जिजा जी का और पीहू के डैडी का सेम साइज है, तो इसीलिए। और मैं हमेशा ज़्यादातर इन्हीं के ही साथ जाती हूँ, क्योंकि इनकी पसंद, मतलब पसंद ही आ जाता है दोनों को, तो इसीलिए दोनों चले जाते हैं। और करवा चौथ है तो इसीलिए हमने होई अष्टमी और करवा चौथ दोनों की जो पूजने वगैरह के कपड़े हैं वो मैंने साथ ही ले लिए हैं, क्योंकि मैं होरी जो करवा चौथ है उस पर मैं रुचि और अनुज भैया का पूजती हूँ, और जो होई अष्टमी है उस पर मैं आशु और जिज्जा जी का निकालती हूँ बायना। तो उसी वजह से फिर ये कहने लगे कि इंदु जब जा रही है तो एक ही साथ ले ले, क्योंकि फिर वही काम दोबारा दोबारा भी करना है। तो वहां से मोंटे कार्लो से आने के बाद यहाँ पे हम आ गए हैं एक दुकान पे, और इस बार आपको बिल्कुल नई दुकान दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आके मैं देख रही हूँ सूट, अपने लिए भी सोच रही थी, मैंने कहा देख लूँ कुछ अच्छा सा लगेगा, तो बाद में चलते चलते ये एक पसंद आया था और आशु रुचि का लिया है मैंने, क्योंकि उनको उनका ही पूजूंगी मैं। तो जी वहाँ से शॉपिंग करके आने के बाद फिर मैंने और भी काम करे, तो यहाँ पे ये हो जाता है अगला दिन। अगला क्या, हाँ अगला ही दिन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मेहंदी आंटी को, एक हाथ पे पीहू लगा रही है उनको, एक पे मैं लगा रही हूँ। और मैं अपना आपको बताऊँ कि क्या कांड हुआ मेरे साथ, कि मैंने एक दिन पहले मेहंदी लगवा ली थी, तो मेरा था नहीं इस बार की मैं मतलब फेशियल वगैरह कुछ करवाऊंगी या वैक्सिंग वगैरह कुछ करवाऊंगी, तो मेरा था नहीं ये था कि फेशियल अगर मैं करूंगी भी तो मैं घर में खुद ही कर लूंगी। लेकिन फिर आशु का फोन आया, जब मैं मेहंदी लगवा रही थी तो आशु का फोन आया कि इंदु वहां पे, मतलब जैसा त्योहारों के टाइम पे ऑफर चलते ही रहते हैं कि ऐसे ऐसे है, और उसमें वो वहां पे कई चीजें कर रहे हैं, इतना पैकेज है उनका। तो फिर मैंने इनको पूछा, ये भी मुझे कहने लगे कि करवा ले, जब भाभी ने करवाया और भाभी कह रही है कि अच्छा किया उन्होंने तो करवा ले तू भी। तो वहां पे क्या हुआ, जाके उन्होंने जैसा मैंने फेशियल वगैरह कराया तो उन्होंने हाफ बाजू की, मतलब मेरी वैसे मैं बताऊं इतनी बाल वगैरह नहीं आते मुझे बाजू पे या कैसे भी, तो वैक्सिंग का मतलब ये होता है कि डेड स्किन निकल जाती है, और वैसे भी साल भर में एक ही बार होता है, वैसे तो हम कराते नहीं कि भाई हर रोज करा रहे हैं या मतलब जैसा जरूरत होती है तब, तो साल भर में एक ही बार हम लोग कराते हैं वैक्सिंग वगैरह। तो चलिए वैक्सिंग से तो इतनी मेहंदी निकली नहीं, क्योंकि मैंने साथ के साथ ही लगवाई थी और फिर मैं धो के साथ ही आ गई थी। मेरा पर ही होता है कि मेहंदी चढ़ जाती है, तो चलो उससे तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हाफ बाजू पे ही ब्लीच कर दी, तो वो ब्लीच से फिर जितना मेहंदी का कलर था वो सारा खत्म हो गया। तो मेरी हथेलियों पे तो मेहंदी चढ़ गई, लेकिन पीछे बाजू पे या कहीं भी मुझे मेहंदी नहीं चढ़ी, तो उसकी वजह से मुझे फिर अगले दिन दोबारा मेहंदी लगानी पड़ेगी। अब जो यहाँ पे तो पहले तो मैं लगा नहीं रही थी, मैंने कहा चलो जितनी चढ़गी चढ़गी, तो फिर आंटी को मैं लगा रही थी मेहंदी। पहले तो यही था कि पीहू लगा देगी, लेकिन पीहू बहुत धीरे धीरे मेहंदी लगाती है, और आंटी को मैंने लगा दिया एक हाथ पे। और मैं सही में बताऊं, जैसे मैं मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ तो थोड़ा सा अभी मुझे इतनी दिक्कत नहीं हो रही है अर्थराइटिस की भी, और वो जो दिक्कत है वो मुझे प्रॉपर अर्थराइटिस की भी नहीं है, वो B12 की कमी से शरीर में लक्षण वैसे पैदा होते हैं जैसे कि अर्थराइटिस के होते हैं। और क्योंकि मैं B12 की भी इंजेक्शन वगैरह ले रही हूँ,
तो उसकी वजह से मुझे अभी थोड़ा सा आराम है। मैं अपने एहतियात के तौर पे ही मैं खुद नहीं करती थी, क्योंकि उसके बाद मका दिक्कत होगी तो फिर रहने दूंगी, इसलिए मैं लगाती नहीं थी। लेकिन जैसे मैंने आंटी को लगाया ना, कल का ही दिन है ये, तो पहले मैंने आंटी को लगाया, फ्रंट हैंड पे भी आंटी के लगाई, मैंने बैक हैंड पे भी उनके लगाई है, और उसके बाद मैंने कहा चलिए एक हाथ पे तो मैं लगा ही लूंगी खुद के, और नहीं कुछ सोना सा तो हो ही जाएगा, नहीं तो मेहंदी मुझे बहुत चढ़ती है, लेकिन वो ब्लीच की वजह से हुआ नहीं। ऐसे ऐसे कांड कभी हो जाते हैं कि मतलब बस क्या कहूँ जी, वो था नहीं मेरा इस बार की मैं कराऊं, लेकिन वो एंड टाइम पे हुआ ऐसा कि चलिए करा लेते हैं, तो फिर मैं पिंजोर ही गई थी कराने। तो यहाँ पे देखिए मैं आंटी के साथ बातें भी कर रही हूँ और मेहंदी भी लगा रही हूँ, तो फेशियल भी मैं करवा आई थी, वैक्सिंग वगैरह होगी थी, ब्लीच होगी थी, क्लींजिंग वगैरह जो भी होना था वो सारा हो गया था। वीडियो वगैरह वहां के हमने शूट नहीं किया, मैंने कहा चलो छोड़ो जरूरी नहीं है सभी कुछ शूट किया जाए। तो यहाँ पे मैं अपने आप को लगा रही हूँ मेहंदी, और ज्यादा हैवी डिजाइन नहीं मैंने लगाया, सिंपल सा एक अरेबियन डिजाइन सा मैंने बनाया, ताकि जो जल्दी बन जाए और जिसमें मुझे टाइम भी कम मिले। भरवा मेहंदी लगाते हैं उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक सिंपल सी बेल लगाई है एक हाथ पे, और सामने की साइड जो पहला डिजाइन बना हुआ था उसी के ही ऊपर मैंने थोड़ी सी मेहंदी लगा दी थी, जिससे कि वो भी चढ़ सी जाए। तो एक हाथ पे फिलहाल मेरे मेहंदी है, और देख रहे होंगे आप मेरा दूसरा हाथ बिल्कुल साफ दिख रहा, सिर्फ ऊपर हथेली वाली साइड की तरफ थोड़ा सा दिख रहा है। फ्रंट पे तो चढ़ भी गई थी मेहंदी, लेकिन बैक साइड पे नहीं चढ़ी थी, तो बस यहाँ पे, बल्कि मुझे खाना बनाने में थोड़ा सा भी लेट भी हो गया था, और फिर भी मैं चलिए लगा ही लेती हूँ, बैठी हूँ तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए अपने एक हैंड पे लगाई है मेहंदी, कैसी लग रही जरूर बताइएगा। आंटी की भी मेहंदी मैंने आपको दिखाई है, उनकी भी, और बस ये मेहंदी वगैरह लगाने के बाद फिर मुझे अपना खाना भी बनाना था, और भी कई सारे काम थे। मेरा था कि आज ही मैं अपने सारे काम निपटा लूं, ताकि अगले दिन जब करवा चौथ हो तो मुझे ये ना लगे कि ये भी मेरा काम फैल रहा है या कुछ। तो देखिए फाइनली मेरी मेहंदी लग गई है यहाँ पे, अभी मैंने बैक साइड पे ही लगाई है, फिर बाद में जो फ्रंट का डिजाइन था उसके ऊपर भी मैं उकेड़ लूंगी। तो ये देखिए ये है मेरी मेहंदी, कैसी लगी जरूर बताइए। तो जी मेहंदी वगैरह लग गई है, और आधे में आपको डार्क हो रही होगी, इसका रीजन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और यहाँ पे भी मैंने लगाई थी, आंटी को भी लगा दी थी, आंटी चले गए थे लगा के, और आज ना मैंने ये देखो पैरों पे भी लगाई मेहंदी। ये आंटी कहने लगी कि इंदु पैरों पे भी लगा ले अच्छी लगेगी ये वाली मेहंदी, मुझे नहीं पता दिख रही नहीं दिख रही, पर मैंने इस बार पैरों पे भी लगाई मेहंदी। और अब मैं बना रही हूँ खाना दोपहर का। तू तो साले ही काम खराब करता रहता है, तो उसका पहली बाल है। तो यहाँ पे मैंने बनाई है भिंडी, जो भिंडी बन गई और आटा बना के रख दिया। आज इसके डैडी आ जाएंगे, क्योंकि कल ही उन्होंने अपना दुकान का जो काम था वो सारा निपटा दिया था, तो वही। और यहाँ पे देखिए ये पीयू रूही जो है वो कर रही है कृष्णा की डेकोरेशन, ये वाला कर दिया अभी। ये भी तो यहाँ पे भी करो बेटे, ये खल्ली सा लग रहा है यहाँ पे ना, अबे वो कलर नहीं दिखता ना, वो गंदा ऐसे जैसे इसमें गैप छोड़ा ना बेटे, तो यहाँ पे भी लगाओ, यहाँ भी तुम्हें गैप छोड़ना था इस तरह। तो ये इनका कर रही है कृष्णा का, और बस अभी लग रही हूँ मैं भी, तो काफी चीजें रह रही। फेशियल में कल करवाई आई थी, उसका मैंने कांड बता ही दिया कि फेशियल के बाद ब्लीच हुई हाथों पे, वो सारी मेहंदी साफ, क्योंकि मेरा था नहीं कि मैं बाहर जाके फेशियल कराऊंगी या मैं वैक्सिंग वगैरह कुछ कराऊंगी। मेरा था, मैंने कहा मैं घर में ही कर लूंगी, क्योंकि मेरे पास थी फेशियल किट रखी हुई थी मेरे पास ममार्थ की, पर आशु ने मुझे लालच दिया तो मैं लालच में पड़ के वहां चली गई, लालच के चक्कर में नुकसान हो गया, और 350 रुपए दिए थे मेहंदी लगाने के, तो वो भी मतलब यहाँ पे देखे। अभी ये मैंने दोबारा लगाई है यहाँ पे भी, इसी के ऊपर जो उन्होंने डिजाइन लगा रखा था, पीछे का तो बिल्कुल साफ हो गया था, तो मैंने खुद ही लगाया, जब चढ़ जाएगी तब दिखेगी। और ये देखे इधर भी बिल्कुल नहीं दिख रही मेहंदी लगी हुई, कहाँ लगाई थी कहाँ नहीं, और यहाँ थोड़ा सामने की साइड तो थोड़ा सा दिख रहा, तो वैक्सिंग से इतना नहीं हुआ जितना कि ब्लीच से उतरी है मेहंदी। तो खैर चलिए जी कोई बात नहीं, कुछ बचाना था तो कुछ जाना था ही, खैर चलिए कोई नहीं है, तो चलता ही रहता है अपना। अभी बच्चे वो कर रहे हैं और टाइम 3 बजने वाले हो रहे, 10 मिनट है बस, मैं फटाफट से रोटी सेक देती हूँ, बच्चों को दूंगी, और सुनीता नहीं आएगी तो फिर किचन का भी देखूंगी, चाहे किचन का बाद में देखूंगी, पहले जो मेरे और काम है वो मैं करूंगी फटाफट से। तो चलिए जी बस फिर बनाते हैं खाना जल्दी जल्दी। तो जी खाना वगैरह खाने के बाद खाना खा भी लिया था, बना भी लिया था मैंने, और जैसे मैंने बताया सुनीता भी नहीं आ रही थी,
तो मेरा काम पड़ा था सारा, लेकिन पियू के डैडी थे यहाँ पे, तो वो कहने लगे कि इंदु जो तू सामान लेके आई उसकी वीडियो शूट कर ले, क्योंकि मैं दूर से दिखाती वो चीज इतनी प्रॉपर नहीं दिख पाती, कोई दूसरा बंदा वीडियो शूट करता है तो वो चीज क्लोज से दिख जाती है, तो वो अच्छी मतलब पता लग जाता है कि कैसा है। तो यहाँ पे वही सामान फैला पड़ा था वीडियो शूट होने के बाद, कपड़े वगैरह मैंने चेंज किए, ना मैं सुबह ही लेती हूँ, लेकिन जब मैं घर में मतलब वीडियो वैसा प्रॉपर सूट नहीं कर रही होती तो मैं नाइट सूट में ही रहती हूँ, और बिना श्रृंगार के बिना उसके मैं वैसे ही घर में अपने रहती हूँ। बल्कि आंटी भी मुझे कई बार टोकती है कि इंदु तू पहन ओढ़ के नहीं रखती, पहन ओढ़ के रखा कर, अच्छा लगता है। और इस बार आंटी के ही कहने पे मैंने पैरों पे भी मेहंदी लगाई, नहीं तो मैंने शादी के बाद कभी अपने पैरों पे मेहंदी नहीं लगाई, तो बस थोड़े थोड़े से फूल ही बनाए थे। बल्कि आंटी तो बोल भी रही थी कि चारों तरफ लगा पैरों पे, मैं कहा फिर लगा लूंगी आंटी बाद में, और एक हाथ पे भी बल्कि मेरे मेहंदी रह गई थी। तो सामान रख दिया है यहाँ पे, मैं आपको दिखा रही हूँ अपना दुपट्टा। इस दुपट्टे के चारों तरफ मैंने गोल्डन कलर का गोटे वाली लेस लगवाई है, क्योंकि मैं रेड कलर का ही सूट डालूंगी, और सूट के अकॉर्डिंग दुपट्टा थोड़ा सा फिक्का सा लग रहा था, तो मैंने इनको ही बोला था, मैंने कहा आप इस पे दुपट्टे पे बॉर्डर सा लगा दो चारों तरफ, जिससे कि ये थोड़ा सा अच्छा सा लुक दे। तो वही फिर ये लेके आए थे, वही मैं आपको दिखा रही थी। तो यहाँ पे देखिए सारा सामान हो गया है। पहले मैं सोच रही थी कि कपड़े चेंज कर लूं, फिर मैंने कहा चल अब तो लग रही है तो लग ही रहे। तो यहाँ पे मैं अपनी शाम की झाड़ू लगा रही हूँ, पीहू मेरी कर रही है हेल्प सारा सामान वगैरह उठाने में, क्योंकि देखिए फैल जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता, कोई भी आ ही जाता है, तो कोशिश रहती है कि अपना घर ठीक ठाक ही रहे। और वो जो वॉलपेपर थे, आप सभी लोग बोल रहे थे कि मैं आंटी अंकल का फायदा उठा रही, ऐसा नहीं है जी कि मैं उनका फायदा उठा रही, मैं कोई भी काम उनसे पूछे बिना नहीं करती हूँ, अगर उन्हें लगता है कि ठीक है। बल्कि मैं आपको सही में बताऊं, आंटी को वो जब देखा, बल्कि आंटी को वो चीज अच्छे लगे वॉलपेपर अलमारी पे लगे हुए, और वो बल्कि मुझे भी कह रही थी कि इंदु मेरे लिए भी मंगवाना, मैं भी अपनी अलमारी पे नीचे लगवाऊंगी। तो मुझे तो देखिए अच्छा लग रहा था। अब सबकी अलग अलग चॉइस होती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है, एक थोड़ी सी कोशिश की थी, वो नहीं अच्छा लगा, कोई बात नहीं हम उसे रिमूव कर देंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो परमानेंट वहाँ पे स्टिक हो गया। तो वो एक छोटी सी कोशिश की थी मैंने, मैंने कहा थोड़ा सा कमरे का जो है लुक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं। दूसरी बात, जो भी अलमीरा है वो प्लास्टिक की फाइबर शीट की बनी हुई है, वो लकड़ी का काम नहीं हो रहा है उनपे। रसोई में भी फाइबर की शीट लगी हुई है अलमारियों पे, और कमरों में भी लकड़ी का काम नहीं हो रहा है। वो देखने में लगते हैं वैसा लुक देते हैं कि लकड़ी का है, लेकिन वो लकड़ी के नहीं है। देखिए इतना तो मैं भी जानती हूँ कि भाई आंटी अंकल हैं या कोई भी, तो मुझे कैसे रहना है कैसे नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ मतलब उनसे हटके या उनसे बिना पूछे करती हूँ। और बहुत अच्छे हैं आंटी अंकल, मैं यूँ भी नहीं कहती कि वो कुछ रोकते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम यहाँ पे रह रहे हो, तुम अपने हिसाब से देखो कि तुम्हें कैसे। बल्कि आंटी मुझे खुद ही बोल रही थी कि इंदु जब कलर करवाएंगे तो ऊपर तुम्हारे हिसाब से करवा देंगे, जैसे तुम्हें चाहिए होंगे, यहाँ तक आंटी मुझे बोल रही थी। मैंने कहा नहीं आंटी, देखिए हम रह भले ही रहे हैं लेकिन घर आपका है, आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे करवाइए। तो वो वाली चीज थी, आंटी को खुद ये बहुत अच्छे लग रहे थे लगे हुए, उन्होंने मुझे खुद बोला कि इंदु मेरे लिए भी मंगवाना, मेरी भी नीचे अलमारियों पे लगाना, और मुझे अच्छे लग रहे। बाकी देखिए सबकी अलग अलग चॉइस होती है, तो कोई बात नहीं, हटा देंगे इनको, थोड़े दिन लगे रहेंगे उसके बाद हटा देंगे, तो उस कोई बात नहीं। देखिए जी झाड़ू वगैरह मैंने लगा ली है। अब यहाँ पे जो कपड़े हैं वो प्रेस के आगे थे, तो इनको भी मैं रख रही हूँ। जैसे कि मैं बता रही थी कि अगले दिन करवा चौथ है, ये कल का ही वीडियो है 31 तारीख का। तो मेरा यही था कि भाई मैं पहले ही अपने जितने भी काम है वो सारे निपटा लूं। कपड़े भी करवा चौथ वाले दिन धोए नहीं जाने थे, तो एक दिन इसी दिन मैंने कपड़े वगैरह भी धुलवा दिए थे, जितनी भी जो भी क्लीनिंग वगैरह मुझे करनी थी वो मैंने सारी कर ली थी। बाकी मैंने कहा चलो भाई त्योहार से पहले, ताकि त्योहार के दिन और चीजों की सिरदर्दी ना रहे। कई बार होता है ना कि कपड़े वगैरह फैले रहते हैं या कुछ भी, तो वो सारी चीजें मैं अपना त्योहार से पहले ही अपनी टेंशन खत्म कर रही थी। तो यहाँ पे कपड़े धोए गए थे, वो भी सूख गए थे, तो इनको भी मैं साथ के साथ तय करके रख दूंगी। और इसी के ही साथ साथ मैं अपने दूसरे काम भी कर रही हूँ, जो मेरे वीडियो अपलोडिंग के हैं या सारा कुछ, तो वो भी मैं कर रही हूँ। हालांकि मेरी वीडियो अभी प्रॉपर नहीं आ पा रही है, तो उसके लिए भी सॉरी। कोशिश करती हूँ मैं अपने पूरे दिन में जितना मुझसे बन पाता है उतनी मैं करती हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यू काम नहीं कर सकती, ना मैं लगातार बैठ सकती, ना मैं लगातार काम कर सकती। तो जितना मुझे टाइम मिलता है या आराम होता है उतना ही मैं काम कर पाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। आप लोग बोलोगे कि दी ऐसे बोल रहे, लेकिन कोई बात नहीं जी, सही है, जैसा टाइम है उसी के हिसाब से फिर काम भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए वीडियो वगैरह मैंने कर ली है अपनी अपलोड, और उसके बाद मैं वापस से लगी हूँ अपने कपड़ों पे।
और फिर शाम का खाना भी बनाना था क्योंकि अगले दिन व्रत था। तो मेरा ऐसा रहता है कि रात को बहुत हल्का फुल्का सा ही मैं खाना बनाती हूँ, ज़्यादा हैवी डाइट नहीं हम लेते कि तोरी लौकी या कुछ ऐसी चीज़ हल्की फुल्की सी ही मैं रात के टाइम बनाती हूँ। और वैसे तो खाते नहीं रात को, मैं बहुत कम लेती हूँ खाना, लेकिन अगले दिन व्रत था तो इसीलिए रात के टाइम खाना जरूरी था। क्योंकि हमारे यहाँ सर्गी वगैरह नहीं होती, जैसे सुबह के टाइम सर्गी होती है ना बहुत सारे लोगों के यहाँ पे, कि वो सुबह ही मतलब सांस देती है और वो खाते हैं, वो वाला जो रीत है, रीति रिवाज है, वो हमारे यहाँ नहीं है। सबका देखिए अलग अलग होता है, तो हमारे यहाँ नहीं होती सर्गी वाली जो प्रथा है या रिवाज बोल दीजिए, वो हमारे यहाँ नहीं होता। तो इसीलिए फिर अपना रात को हम खाना खाते हैं ताकि अगले दिन थोड़ी सी एनर्जी रहे, और फिर दवाई वगैरह भी मुझे लेनी होती है तो इस वजह से। तो देखिए कपड़े जो हैं वो मेरे लगभग सारे ही तय हो गए हैं, जो तय हो गए हैं उनको मैं साथ के साथ ही रख भी दूंगी, अपना मेरा काम निपट जाएगा। तो अब मुझे अगले दिन की टेंशन नहीं है कि मेरा काम फैला पड़ा या कुछ भी, क्योंकि कुछ भी चीज रखी रह जाए या काम रुका रह जाए तो उसी से ही ऐसा लगता है कि बहुत काम फैल रहा। तो त्योहारों से पहले जी मेरी होगी है सारी तैयारियां पूरी, मेहंदी मुंदी सारा कुछ लग गया मेरा, फेशियल शेशियल सब कुछ हो गए, शॉपिंग जो करनी थी वो भी होगी। अब रह जाता है बस त्योहार मनाना, और मैं लेके क्या क्या आई थी उसका वीडियो भी मैं आपको जल्दी ही दे दूंगी, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो चलिए बस वीडियो रोकती हूँ मैं यहीं पे, कैसी लगी जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले। मिलती हूँ जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।